देहरादून जिले के बारे में। एक एक करके जिलाओं को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देहरादून से शुरुआत करिए। ठीक, किसी भी जिले को पढ़ते समय सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इतिहास, बहुत ब्रीफली। कोई भी जो जिला होगा उसको पढ़ते समय सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उस जिले के इतिहास की, सरल भाषा में एक जिले के रूप में उसका इतिहास क्या होगा। इतिहास के बाद हमें जरूरत पड़ती है उस जिले के प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है। प्रशासन के बाद जरूरत पड़ती है ज्योग्राफी की, भूगोल किस प्रकार का है, और फिर कुछ जो अन्य बिंदु होंगे वहां पर संगठन, संस्थान, संग्रहालय, जो कुछ भी होगा। इतिहास देहरादून का किसी से छुपा नहीं है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल आते आते कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है, लेकिन एक जिले के रूप में देहरादून को 1817 में गठित किया जाता है। एक जिला देहरादून को कब बनाया गया? 1817 में। लेकिन 17 में जब इसको जिला बनाया देहरादून को, तो कैसा जिला बना दिया था? अटैच डिस्ट्रिक्ट, संयुक्त जिला बनाया। देहरादून स्वतंत्र जिला नहीं बना, संयुक्त जिला बना। देहरादून को स्वतंत्र जिला कब बनाया गया था? 1871 में इसको सहारनपुर जिले से अलग कर दिया, पहले ये सहारनपुर जिले के साथ होता था। चलो, बाकी देहरादून को 1826 में फेंक दिया था कुमाऊं कमिश्नरी में, और 1829 में कुमाऊं कमिश्नरी से हटा के इसको मेरठ मंडल में डाल दिया गया था, और 29 के बाद ये मेरठ मंडल का ही हिस्सा था तब तक जब तक ये गढ़वाल मंडल में ना आ जाए, और 1975 की 4 जून को इसको डाल दिया गढ़वाल मंडल। तो 1975 4 जून को इसको गढ़वाल मंडल में डाल दिया, तब से ये गढ़वाल मंडल में ही है। कोई महत्वपूर्ण बात देहरादून के इतिहास में ये थी कि भाई 5 अक्टूबर 2000 राज्य बनने से ठीक एक महीना पहले इसको उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बना दिया, और तब से लेके आज तक देहरादून जो है वो अस्थायी राजधानी ही है। फिर प्रशासन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमने बात करी भाई सबसे पहले नगर निगम बनाए गए हैं देहरादून के अंदर, कितने हैं? 2 है। ऐसे ही नगर पालिका बनाए गए, कितने हैं? 4। उत्तराखंड का पहला नगर पालिका भी देहरादून जिले में है, मसूरी नगर पालिका, और पहला नगर निगम, कौन सा था? देहरादून। उत्तराखंड का पहला नगर निगम देहरादून, वो भी जिला देहरादून में है, और नगर पालिका पहली मसूरी, वो भी जिला देहरादून के अंदर। नगर पालिकाओं के अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड थे, कैंटोनमेंट बोर्ड की संख्या 4 है, सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड वाला जिला भी देहरादून बन जाता है। बाकी तहसील, ब्लॉक कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। क्या कर रहे थे? ज्योग्राफी कर रहे थे। ज्योग्राफी में अभी तक की जो बात आई उसमें ये कि ये जो देहरादून है, ये जो घाटी है दून की, ये दून की घाटी, एक तरफ गंगा नदी तंत्र है, दूसरे तरफ यमुना नदी तंत्र है। तो परसों बेसिकली एक नदी करी थी ना, एक बस नदी बनाई थी। तो आज टॉपिक डालना देहरादून की नदियां, पहला पॉइंट लिखना देहरादून की नदियां, एक साथ ही सारे टॉपिक निपटा देंगे। देहरादून की नदियां, नहर, कैनाल्स, देहरादून की नदियां, नहर तथा जल विद्युत परियोजनाएं, नदियां, नहर तथा जल विद्युत परियोजनाएं, नदियां, नहर तथा जल विद्युत परियोजनाएं। देखो मैं इधर छोटा चित्र बनाता हूँ, इधर बड़ा बना लेते हैं। हमारा जो देहरादून है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और परसों वाले लेक्चर में मैंने बता दिया कि ऐसा दिखने का कारण क्या है। भाई नदी ही इस प्रकार से आ रही है, यमुना नदी ऐसे ही आती है, तो यमुना नदी ने इसको इधर से ऐसा काट दिया है। गंगा नदी जो है वो ऐसे ही बहती है, तो उसने इसको इस प्रकार से काट दिया है। ठीक, इधर रेंजेस बने हुए हैं बहुत सारे, इनको बोलते हैं मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। इधर छोटी छोटी पर्वतमालाएं हैं, इनको बोलते हैं शिवालिक। तो आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच वाला क्षेत्र क्या था? और इसी एमबीटी में आपका देहरादून बसा हुआ था। अब इस देहरादून के अंदर हिसाब किताब क्या बन रहा है? इस साइड में जितनी भी नदियां हैं वो यमुना नदी के तंत्र वाली है, इस तरफ को पश्चिम दिशा में, और इस तरफ को जितनी भी नदियां होंगी इसकी, वो सारी की सारी टच भी करेगा एक जगह पर, कौन सी नदी वाली होंगी? गंगा नदी के तंत्र वाली। तो इस प्रकार से यमुना नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में देहरादून की घाटी बनी हुई है, दून की घाटी बनी हुई है। तो ये नदी तंत्रों को अभी थोड़ा समझ के चलना, इधर यमुना नदी का तंत्र बना दिया, इधर गंगा नदी का तंत्र बना दिया, ध्यान से समझो। पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये तो तुम्हें समझाने के लिए, ये आपका जिला देहरादून है, इसके पश्चिम में कौन सा नदी तंत्र है? यमुना नदी तंत्र। पूर्व में कौन सा है? गंगा नदी का तंत्र है। अब मैं इधर क्या कर लेता हूं, पहले ये यमुना नदी वाला तंत्र बना देता हूं। तो आप जानते हैं उत्तरकाशी के अंदर से एक नदी निकलती है यमुनोत्री, बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना नदी। तो ये यमुना नदी जो है ये देहरादून के कौन सी तरफ को है? पश्चिम दिशा की तरफ। इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तरकाशी से ही आती है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है टॉन्स, इधर लिख लेता हूं मैं, टॉन्स। और ये कौन सी नदी है? ये है यमुना। अभी ध्यान से समझना, फिर अपना ग्राफ भी तैयार करते रहना। इस टॉन्स में एक नदी हिमाचल प्रदेश से आकर के गिरती है, उसका नाम होता है पब्बर,
जिस जगह पर गिरती है उसको बोलते हैं त्यूनी, और जहां यमुना टोंस आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कालसी। ऐसा माना गया कि दक्ष की राजधानी थी, इसलिए किधर किधर बोल देते हैं दक्षेश तीर्थ। चलो ये भी बाद में कर लेंगे। बब्बर के अलावा त्यूनी से थोड़ा सा और आगे आकर के इसमें एक और नदी मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, गिरी नदी। फिर ये बड़े धूमधाम से चलती है यमुना नदी आगे, और राज्य को छोड़ने से ठीक पहले इधर रामपुर मंडी में इसको आकर के एक नदी मिलती है, और यह है देहरादून की बेहतरीन नदी, देहरादून जिला देहरादून की सबसे बेहतरीन नदियों में से एक नदी ये वाली। इस नदी के अलग अलग नाम है, लेकिन जिस समय यमुना में मिलती है उस समय इसको बोलते हैं आसन। आसन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें एक नदी झाझरा के पास में गिरती है, उसका नाम है अस। तो ये अस नदी आकर के मिल गई, इसलिए इसको आसन नाम दे दिया। ठीक, इसमें छोटी मोटी नदियां आती रहती है, देहरादून की निमी, देहरादून की नून, नलोटा नाला, टोंस नाला, वो एक अलग बात है, उनसे हमें ज्यादा मतलब है नहीं। तो इधर साइड में जो ये वाला हिसाब किताब है वहां पर ये तंत्र आपके पास बन रहा है। ठीक, समझ रहे हो, पहले समझना इसको जरूरी है, फिर ड्रॉ भी करते रहना हल्का हल्का। ठीक, इस प्रकार से देहरादून के पश्चिम दिशाओं में नदियों का विस्तार हो रखा है, ऐसे करके नदियों का विस्तार है। यमुना नदी है, और यमुना इससे ऊपर उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में हिसाब किताब हो जाएगा यमुना का। टोंस इससे ऊपर उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में हिसाब किताब हो जाएगा। ऐसा करके पूरा हिसाब किताब बनाया, इधर आसन, अस, निमी और नून। टॉपिक में हमने क्या लिखा कि भाई हम पढ़ने क्या वाले, हम पढ़ने वाले देहरादून की नदियां, पहला जो ये नदियां बना रखी, दूसरा देहरादून की नहर, और तीसरा जल विद्युत परियोजनाएं। अब ये जो आपका देहरादून है, इस देहरादून का हिसाब किताब ये है कि देहरादून आपके तराई बाबर में स्थित है, और तराई बाबर क्षेत्र होने की वजह से नदियां देखो कितना बेहतर, और ये आपका ना पश्चिम में है, फिर ये आपका देहरादून है, ये व्हाइट बोर्ड आपका देहरादून है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि नदी जा रही है इधर से, अगर आपको कहीं पर पानी ले जाना होगा तो आप क्या कर देंगे, इस नदी से एक नहर बना देंगे, हर नदी पर आप एक एक नहर बना सकते हो, इधर भी नदी है उधर भी नदी है, तो देहरादून में पानी की तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं पर, क्योंकि इधर भी नदी है उधर भी नदी है। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक नहरें देहरादून में ही है, ऐसा कोई जिला नहीं उत्तराखंड के अंदर जहां पर देहरादून से ज्यादा नहर हो। सर्वाधिक नहरों के कारण इसको बोलते हैं उत्तराखंड का वेनिस। किसे कहा जाता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर नहर प्रणाली का विकास हुआ है। नैनीताल में भी बहुत सारी नहरें हैं, लेकिन राज्य की सर्वाधिक नहरें इसी पर है, इसलिए देहरादून को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है। ठीक, तब जरा ध्यान से सुनो कि वेनिस इसको बोलते क्यों है। आ जाओ सबसे पहले इस नदी पर, देखो टोंस नदी, ये आ रहा है टोंस का पानी, और टोंस कहां पर मिलता है यमुना नदी को, कालसी में। देखो ये टोंस नदी जब देहरादून में प्रवेश करती है, तो इसके देहरादून में प्रवेश करते ही हमने इसके यहां पर बना दिया एक बांध, एक डैम, और इस टोंस नदी पर बनने वाले इस बांध का नाम है इचारी बांध। किस नदी पर बना है तो क्या बोलोगे, टोंस नदी पर बना है, ये बना दिया इधर बांध, इचारी बांध। सरल भाषा में कहें तो बांध का मतलब क्या होता है, डैम का मतलब क्या होता है, तो तुम कहोगे गुरुजी डैम का मतलब होता है दीवार, खत्म, चैप्टर क्लोज, डैम मतलब दीवार। उसके पीछे का जो पानी है उसको बोलते हैं झील, दीवार के पीछे जो पानी होता है वो डैम नहीं है, वो है झील। जहां बिजली बनती है उसको बोलते हैं पावर स्टेशन, जहां पावर हाउस लगा होता है, तो डैम कौन सा बचा, दीवार। तो वो जो दीवार होती है उसी को बांध कहते हैं। तो इचारी नाम की जगह पर आपने एक डैम बनाया, उसको क्या बोला, इचारी बांध। अब बांध क्यों बनाए जाते हैं, या तो भाई बांध इसलिए बनाए होंगे कि हम वहां से बिजली का उत्पादन करें, या फिर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। उत्तराखंड में इतनी एग्रीकल्चर, कृषि तो होती नहीं है कि सिंचाई के लिए हम कोई बांध बनाए। इन बांधों से सिंचाई का फायदा या तो हरियाणा को होने वाला है, पंजाब या दिल्ली को होने वाला है, तो हमने तो सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाए होंगे। तब ध्यान से सुनो, ये जो इचारी बांध है कौन सी नदी पर है, टोंस नदी पर। इस इचारी बांध को बना करके बिजली जहां पर उत्पन्न होती है, जिस जगह पर बिजली बनाई जाती है उसको बोलते छिबरो। छिबरो बांध नहीं है, क्या है, पावर स्टेशन है, मैं पीएस लिख लेता हूं, छिबरो पावर स्टेशन। किस नदी पर बना है, तब आप कहेंगे छिबरो पावर स्टेशन टोंस नदी पर। इचारी बांध किस पर है, टोंस नदी पर, तो छिबरो पावर स्टेशन भी किस पर है, कौन सी नदी है, टोंस। अभी हम दूसरी नदी पर ही नहीं गए, तो पहला क्या बनाना, इचारी बांध। इचारी बांध के नीचे जिसको ग्राफ समझ नहीं आते वो लिखते रहना, जिसको ऐसा वाला में सही समझ नहीं आता है वो लिख देना, देहरादून की टोंस नदी पर पहला जो बांध बना है इसका नाम है इचारी बांध।
इचारी बांध से जल वितरण के द्वारा विद्युत उत्पादन छिबरो पावर स्टेशन में किया जाता है, लेकिन पेपर में जब छिबरो पावर स्टेशन पूछ ले तो कौन सी नदी कहेंगे? टोंस नदी कहेंगे। फिर जैसे ही ये गिरी नदी निकलती है, अच्छा गिरी भी बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, गिरी पर हिमाचल प्रदेश वाले एक बांध बना रहे, रेणुका सागर बांध, विवादित है, कभी बोल रहे बनाएंगे कभी बोल रहे नहीं बनाएंगे, लेकिन निर्माणाधीन। तो गिरी नदी से आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिर टोंस नदी पर तीसरा एक बांध बनाया गया, इस बांध का नाम है किसाऊ। टोंस नदी पर बनने वाला ये तीसरा बांध है किसाऊ बांध। टोंस नदी पर देहरादून जिले, टोंस नदी के सारे बांध नहीं हुए, कुछ तो उत्तरकाशी में भी होंगे, जखोल सांकरी ताकुला सांकरी, तो जब उत्तरकाशी पड़ेंगे तो उत्तरकाशी वाले बांध कर लेंगे, अभी सिर्फ देहरादून के बाद। टोंस नदी पर देहरादून में बनाए गए बांध कौन कौन से? इचारी, छिबरो, किसाऊ। इन तीनों में जो थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करता है हमारा वो है किसाऊ बांध। क्यों करता है? क्योंकि इस बांध की ऊंचाई है 236 मीटर। टीरी बांध की कितनी है? 260। तो ये उससे कितना कम है? घरियावासन बोले तो कुछ ही कम है ना, 20-25 मीटर कम। इतनी बड़ी ऊंचाई का बांध होता नहीं ये उत्तराखंड में, या तो टिहरी ही है या पंचेश्वर ही होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, जब हम बांध बनाते हैं तो मैंने क्या बोला कि बांध का मतलब क्या होता है? दीवार होता है, खत्म। बाकी तो पावर स्टेशन होते हैं, या पावर स्टेशन नहीं हुआ तो झील होती है। बांध मतलब क्या हुआ? दीवार। अगर देखो दीवार वैसे बनाई जैसे हम घर में बनाते हैं दीवार, जैसे ये वाली दीवार बनी, तो इस दीवार में मिस्त्री ने क्या किया होगा? पहले ईंट रखी, फिर मसाला लगाया, फिर ईंट रखी, फिर मसाला। जब ईंट नहीं थी तो क्या रखते थे? पत्थर। तो ऐसे करके एक दीवार बनाते, बाद में प्लस्तर कर दिया बाहर से। तो जब चिनाई के द्वारा बांध बनते तो उसको बोलते मैसनरी डैम, चिनाई बांध। हमारे राज्य में एक भी नहीं है, बन भी नहीं सकता। तुम्हें लगता है उत्तराखंड की नदियों का पानी रोक सकती है ऐसी दीवारें? रोक दे, ऐसे टूटेगा ना, फिर होगा नीचे तबाही, है ना। तो ऐसे बांध तो यहाँ पर तबाही हो, तबाही का कारण बनेंगे। तुम्हारे राज्य में एक भी मैसनरी डैम नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? इधर आपका पहाड़ है, इधर आपका पहाड़ है, डालो मलबा, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, कुछ भी डाल दो, भर दो दीवार, ऐसे भर दो, जैसे टीरी बांध है। अगर बांध ऐसे बना है तो उसको बोलते रॉक फिल डैम, दूसरी कैटेगरी का बांध होता है। ये हमारे पास चैप्टर है, यहाँ लिखना नहीं, इसको बाद में कर देंगे। दूसरे प्रकार का बांध होता है उसको क्या बोलते हैं? रॉक फिल। दो पहाड़ी है, मिट्टी पत्थर कंकड़ डालो, भर गया, बन गई दीवार। तीसरी कैटेगरी का बांध, जब आपको बनानी तो दीवार ही है ना, बांध में बनाना क्या है? दीवार। तीसरी कैटेगरी का बांध, पहले आपने सरिये लगा दिए, ऐसे सरिया 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 ऐसे पूरा, फिर इसके बाहर से दो कॉलम लगाए, उधर से भी लकड़ियां इधर से भी लकड़ियां। अब मसाला बनाया, बीम देखा है भरते हुए, जो बीम होते हैं ना घर के, जो बीम होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? सरियों का एक ढांचा बनाते हैं, इधर से भी लकड़ी रखते हैं उधर से भी लकड़ी, और ऊपर से मसाला पूरा डाल देते हैं। दो चार दिन वैसे ही मसाला रखेंगे, फिर हटाएंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? एक दीवार बन जाएगी। तो अगर पूरी तरीके से सीमेंट और सरिया से दीवार बनी हुई है तो ऐसे बांधों को बोलते हैं ग्रेविटी बांध, यानी कि गुरुत्व बांध। तो कितने प्रकार के होते हैं बांध? तीन प्रकार के। हमारे राज्य में कौन सा नहीं है? ये नहीं है, मैसोनरी है नहीं। अब बचे दो कैटेगरी, रॉक ग्रेविटी। टिहरी बांध कैसा बांध है? रॉक फिल कैटेगरी का। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध, पर किस कैटेगरी का? रॉक फिल। क्या टिहरी बांध गुरुत्व बांध है? नहीं, टिहरी तो है ही नहीं। तो प्रश्न क्या आता है कि गुरुत्व की कैटेगरी में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो फिर आप याद रखेंगे गुरुत्व की कैटेगरी में किसाऊ बांध उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। किस नदी पर बना हुआ है? टोंस नदी पर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध किसाऊ बांध, 236 मीटर की ऊंचाई वाला, 236 मीटर की ऊंचाई वाला बांध। देहरादून के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी, नदी का नाम यमुना, यमुना नदी में आकर के ये कुछ नदियां मिल रही है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस है, उस पर बना हुआ बांध इचारी है, छिबरो है, और कौन सा है? किसाऊ। किसाऊ को इसलिए याद रखना क्योंकि उत्तराखंड का क्या है? सबसे बड़ा गुरुत्व बांध, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला ग्रेविटी डैम है। ठीक, चलो अब आई किसाऊ बांध से नीचे। अब ये जो नदी है आपकी, नदी कौन सी है? ये वाली टोंस। इस टोंस नदी से ब्रिटिश काल में ऐसे करके एक निकाली गई है नहर, एक कैनाल। और नहर क्यों बनाई जाती होगी? ऑब्वियस सी बात है, वाटर सप्लाई के लिए। इस क्षेत्र में पानी नहीं होगा तो वहां तक पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाई गई होगी। तो इस टोंस नदी पर देहरादून जिले के अंतर्गत बनी हुई सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नहर, इसका नाम है बीजापुर नहर। बीजापुर नहर। प्रश्न आया बीजापुर नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो क्या कहेंगे? टोंस नदी पर किया गया।
बीजापुर नहर का निर्माण किस नदी पर है? टोंस नदी पर। नहरें बहुत सारी होंगी तभी तो बोले उत्तराखंड का वेनिस, जैसे वेनिस में है नहरों का जाल, ऐसे उत्तराखंड में नहरों का जाल कहाँ होगा? देहरादून में। तो बीजापुर नहर किस नदी? टोंस नदी पर। जब नाम आ जाए नहरों का तो बिन देखे उत्तराखंड में 99% नहरों का निर्माण पीबी काटले ने करवाया। ये नाम तो सुना होगा, गंग नहर बनवाने वाला आदमी कौन था? जब भी नहरों का प्रश्न आ जाए, अगर नहीं आ रहा है समझ में, पीबी काटले कर दो, तुक्का लगाना है पीबी काटले पर लगा देना, क्योंकि 99% नहरें इसने बनाई। इतनी ज्यादा नहरें बनाई है, तब कुछ लोगों ने कहा आधुनिक भारत का भगीरथ है, जहां पानी नहीं था वहां पानी किसने पहुंचाया? पीबी काटले ने। किसको बोलते हैं हमारे यहाँ आधुनिक भारत का भगीरथ? पीबी काटले को। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं जैसे गंगा को लेके आया था भगीरथ धरती पर, ऐसे ही जहां पानी नहीं था उधर पानी पहुंचाने का काम किसने किया? पीबी काटले। जब भी कोई नहर आ जाए, खासकर देहरादून की नहर है, निर्माण किसने किया? आंख बंद करो, पीबी काटले लगा दो। यहां पर नहर कौन सी है? बीजापुर। तो किसने निर्माण किया होगा? पीबी काटले के द्वारा 1841 में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया, खत्म होते होते 1854 लग गया। 1841-1854, यानी बीजापुर नहर पूरा फैक्ट क्या बना? देहरादून में टोंस नदी पर बीजापुर नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर का निर्माण कार्य 1840 में प्रारंभ हुआ और यह नहर बनकर के कब रेडी होती है? 1854 में, 1854 में बीजापुर नहर बनकर के रेडी होती है। कौन सी नदी पर बनाया गया? टोंस नदी। तो टोंस नदी पर तीन बांध, ये बांध नहीं है छिबरो, ये पावर स्टेशन है, फिलहाल मैं बांध बोल देता हूं, इचारी, छिबरो और किसाऊ, तीन तो परियोजनाएं हैं और इसके अलावा एक नहर है। नहर का नाम क्या है? बीजापुर नहर बना। मैं ये नीचे का हिसाब किताब हटा देता हूं थोड़ा देर के लिए। अब आओ इसके नीचे, यहां क्या हिसाब किताब है। अब ये जो नदी है यहां पर, कालसी के बाद जब टोंस मिल जाती है इस नदी में, तो फिर संयुक्त जलधारा का नाम क्या होगा? यमुना, है ना। टोंस किस में आकर के मिलती है? यमुना में ही मिलती है। तो ये आपकी देखो यमुना नदी आ रही है। भारत आजाद हुआ था 1947 में, और देश की आजादी के बाद हमें विकास भी करना था, जरूरी था भाई, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, आते ही स्टेटमेंट दे दिया जवाहरलाल नेहरू ने, आधुनिक भारत के मंदिर है जल विद्युत परियोजनाएं, मतलब उनका इशारा साफ था, मैं डैम बनाने वाला हूं बहुत सारे, है ना। तो बांध बनाने के लिए बड़ी नदियां चाहिए होती थी। दक्षिण में कई सारी परियोजनाएं स्टार्ट हो गई, दामोदर की परियोजना, कावेरी की, हीराकुंड जैसे बड़े बांध बन गए, भाखड़ा नांगल बन गए। और उत्तराखंड, मतलब अगर आप भारत के अंदर देखोगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वो क्षेत्र था सबसे ज्यादा किसान रहते थे, सबसे ज्यादा बाढ़ आती थी, सूखा भी यहीं पड़ता था, तो यहां बांध बनाना जरूरी था, सबसे ज्यादा जरूरी था। ऑप्शन दो थे, या तो गंगा पे बनाओ या यमुना पे बनाओ। गंगा पे बना नहीं सकते थे, उस समय धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी, लोग ये मानते थे गंगा का रास्ता रोकोगे तो प्रलय आ जाएगी, कई बातें होती थी ना, बोले गंगा पे नहीं बनाएंगे। बात ले देके ऑप्शन बच गया यमुना, बोले चलो गंगा पे नहीं बना रहे तो यमुना पे बना रहे। यमुना पे बहुत बार कोशिश करी गई यहाँ बांध बनाओ, हरियाणा वाला हल्ला करता था, बोला भाई बांध बनाएगा हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, तो नीचे स्टेट तो हल्ला करेगा ना, ऊपर वाला अगर पानी रोकेगा तो हरियाणा दिल्ली उधर हल्ला होने लग गया, भाई यमुना पे बांध नहीं बनाना। ये सब चलते ही रहता था हिसाब किताब यहाँ ना। लेकिन इस बीच में जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में एक काम तो कर दिया, बोला बांध बनाएंगे जब बनाएंगे, फिलहाल हम एक दीवार बना देते हैं, इस पे मन करेगा कल को बांध बना देंगे, फिलहाल ये दीवार है, अपनी मन मर्जी से हम कभी पानी रोक सकते कभी पानी छोड़ सकते। तो ऐसी छोटी छोटी जो दीवारें बनी होती इनको बैराज कहते हैं। तो इस यमुना नदी पर कालसी से थोड़ा सा आगे जाकर के पहला एक बैराज बनाया गया, उसका नाम है डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर बैराज सब जानते होंगे इसके बारे में। तो डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। उत्तराखंड में बनने वाला पहला बैराज है, अभी तक कोई बैराज नहीं बना था। 1949 जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन कर दिया था, लेकिन कुछ वित्तीय कारणों से पैसा नहीं आता था टाइम पे, तो निर्माण कुछ देर लग गई इसके बनने में। डाक पत्थर बैराज का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1949, और ये बनकर के रेडी हुआ 1956 में, पैंसठ में, 1965। डाक पत्थर बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 49। प्रारंभ का कोई महत्व नहीं होता है बैराज में, डैम में, नहरों में कब बना थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। कब बना? 1865 में। तो यहां पानी रोक दिया डाक पत्थर बैराज में। अब डाक पत्थर बैराज में पानी रोकेंगे तो इस एरिया में थोड़ा पानी हो जाएगा ना, ऑब्वियस बात है, आप नदी का पानी रोकोगे तो सर तो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहां पर यमुना में ठीक ठाक पानी होने लगा। तो जब यहाँ पर यमुना में ठीक ठाक पानी होने लगा, मैं कालसी हटा देता हूँ यहाँ पे, तो फिर ये वाला जो क्षेत्र था देहरादून का, इस क्षेत्र में वाटर सप्लाई कैसे किए जाए? तो ये अंग्रेजों के जमाने में ही पीबी काटले, फिर से इस भाई ने क्या किया,
कालसी से थोड़ा सा आगे जाकर के ऐसे इस यमुना नदी पर एक और बना दी कैनाल, एक और बना दी नहर। और यमुना नदी पर बनने वाली इस नहर का नाम क्या है? तब आप हमें कटा पत्थर, डाक हो चाहे पत्थर हो, कटा हो चाहे पत्थर हो, सब यमुना नदी पर। डाक पत्थर किस पर है? यमुना पर। और दूसरी नहर का नाम क्या है? कटा पत्थर नहर। यमुना नदी पर देहरादून जिले के अंदर एक और नहर जिसका नाम है कटा पत्थर नहर। ये कैनाल है, वो बैराज है, वो दीवाल है, वो नहर है, कटा पत्थर नाम की नहर। तो ये कटा पत्थर नाम की नहर भी 1841 में स्टार्ट हो गई और 1854 में खत्म होती है। इसको भी पीबी काटले के द्वारा ही बनाया गया है। कटा पत्थर नहर किस नदी पर है? क्या कहेंगे? यमुना नदी पर। ठीक, चलो। कटा पत्थर नहर किस नदी पर है? कहेंगे यमुना नदी पर। तो यमुना की सहायक नदी टोंस, उस पर बांध बना इचारी छिबरों की साऊ, फिर नीचे आए, फिर आए यमुना पर। यमुना पर एक नहर निकाल दी, उसका नाम कटा पत्थर नहर। नीचे बैराज बना दिया, उसका नाम क्या? डाक पत्थर। डाक पत्थर, कटा पत्थर, पत्थर पत्थर, सब यमुना। ठीक, यमुना नदी के हो गए। अब डाक पत्थर बैराज में बन गया, पानी भरने लगा, तो नीचे अब बिजली बनाएंगे, तो बिजली के लिए कुछ परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी। पहली जो परियोजना है यमुना नदी पर, इसका नाम है ढकरानी चले विद्युत परियोजना। यहाँ फिर बांध बनाने की जरूरत नहीं है, बांध तो ऊपर बना हुआ है, तो वहां से सीधा पानी लाओ, ढकरानी में बिजली बनाओ। ढकरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? और देखो, पेपरों का प्रश्न हो, देहरादून के डैम पूछना बहुत स्वाभाविक सी बात है। देहरादून के बड़े विवादित रहते हैं ना डैम टोंस, और इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ढकरानी पहला पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। ढकरानी से थोड़ा सा नीचे आओगे, दूसरा पावर प्रोजेक्ट है, इसका नाम है डालीपुर। डालीपुर, डालीपुर पावर प्रोजेक्ट, घर में जाके इसको लिख भी लेना एक बार, थोड़ा सा याद करने के लिए। ढकरानी, नीचे आएंगे तो डालीपुर। ढकरानी किस नदी पर है? यमुना। डालीपुर किस नदी पर है? चलो नीचे आओ, डालीपुर से थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक और बांध बना है, इसका नाम है खोदरी। कभी उत्तर से दक्षिण पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है, पूछ ले तो इसी प्रकार से बनाना। ऊपर ढकरानी है, फिर डालीपुर है, नीचे आएंगे खोदरी है, और सबसे नीचे इस पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है कुलहाल। कुलहाल, सारी की सारी परियोजनाएं किस नदी पर है? कौन सी नदी पर? यमुना नदी के अंदर। ढकरानी, डालीपुर, खोदरी, कुलहाल, कटा पत्थर नहर, यमुना नदी, डाक पत्थर बैराज, यमुना नदी, ढकरानी, डालीपुर, खोदरी, कुलहाल। अब एक फैक्ट सुनो जरा, इस नदी पर तो बांध बना ही नहीं सकते थे। ये जो नदी थी ना यमुना नदी, इस पर हम बांध बना ही नहीं सकते थे, नीचे वाले विवाद कर रहे थे। तो जब नीचे वाले विवाद कर रहे थे तो स्वतंत्र भारत में हमने क्या कर दिया, इस डाक पत्थर बैराज से इसी के पैरेलल एक नहर निकाल दी, ऐसे करके, ऐसे करके एक नहर निकाल दी जिस पर ये सारी परियोजनाएं चल रही है। इस नहर को हमारे राज्य में यमुना नहर भी कहते हैं, वैसे वास्तव में इसका नाम है शक्ति नहर। शक्ति नहर, तो लिख लो, डाक पत्थर बैराज से, डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे कहते हैं शक्ति नहर। डाक पत्थर बैराज से स्वतंत्रता के बाद एक नहर निकाली गई है जिसे कहते हैं शक्ति नहर। तो इस शक्ति नहर पर ही ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पेपर में प्रश्न आए नदी पूछे तो क्या कहेंगे? यमुना। नहर किसकी है? यमुना की तो है ना, यमुना। तो यमुना नहर, शक्ति नहर अथवा यमुना नदी, एक ही चीज है। अगर ये परियोजना आ जाए ढकरानी पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो आंसर होगा यमुना। यमुना ऑप्शन में ही नहीं है, वहां लिखा है यमुना नहर तो टिक कर लेना, यमुना नहर लिखा ही नहीं है, क्या लिखा है? शक्ति नहर, तो क्या कर देंगे? शक्ति। वैसे जो यमुना नहर है ना एक्चुअल में भारत के अंदर, वो हाथी पांव हरियाणा से स्टार्ट होती है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, हमारे राज्य में इसी को बोल देते हैं यमुना से नहर निकाली है, इसको नाम दे देते यमुना नहर। तो यहां पर देखो कितनी चीजें आई आपके पास, डाक कटा पत्थर नहर कौन नदी पर है? यमुना। शक्ति नहर किस नदी पर है? यमुना। और बीजापुर वाली नहर किस नदी पर है? चलो फिर आए थोड़ा सा नीचे, तो यहां पर आकर के नदी आ रही थी आसन। तो जैसे ही आसन और यमुना एक दूसरे को आकर के मिल जाती है, तब इस पर एक और बैराज बनाया गया है, और इस बैराज का नाम क्या है? इस बैराज का नाम है आसन बैराज। यहां एक और बैराज बना, हमारे राज्य का सबसे बेहतरीन बैराजों में से एक, इसका नाम आसन बैराज। थोड़ा सा और आ गया है यहां पे आसन बैराज, इधर दिख रहा है ये, आसन नदी को मिला दो, इधर एक बैराज और बना दो, इस बैराज का नाम है आसन बैराज। डाक पत्थर बैराज के बाद इस यमुना नदी पर नीचे आकर के आपने एक और बैराज बनाया है, उसका नाम है आसन बैराज। इधर लिख लेता हूं मैं आसन बैराज,
आसन बैराज, कुछ आंकड़े जानते होंगे सब लोग इसके बारे में। आसन नाम के इस बैराज का निर्माण कब किया गया था? 1867 में किया गया था, 1967 में, 1967 में आसन बैराज का निर्माण, मतलब दीवार कब बनाई? 1967 में बनाई आसन बैराज, 1967 में इसका निर्माण किया गया। ठीक, आसन बैराज 1967 में इसका निर्माण किया गया। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे बैराज बनाई, बैराज बनाई तो ऑब्वियस बात है पानी रहेगा, तो उस जगह पर कहते पक्षी आने लगे, कई सारे देशी विदेशी पक्षी आने लगे, लगातार पक्षी आते थे, बैराज भी बना हुआ था, पानी भी ठीक ठाक था वहां पे। दो बातें आसन बैराज की बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर आसन बैराज के पास में आसन झील बनी हुई है उस जगह पर पक्षी आते रहते हैं, है ना, पक्षी पक्षी बुला के आते हैं, अपने आप आ जाते हैं, तुम बोलो भाग यहाँ से, भागेगा थोड़ी ना कुछ देर के, पत्थर थोड़ी मारेंगे उनको, अब ना तो ऐसा भी नहीं कि पक्षी आ जाओ भाई, ऐसा तो है नहीं। जैसे बाघों के लिए अभयारण्य बनते हैं, तो बाघ में तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे अच्छी सुरक्षित जगह है उनकी, उधर उनको कवर कर दो, तारबाड़ कर दो, सबको कॉर्बेट में डाल दो। पक्षी में तो ऐसा हिसाब है नहीं, तुम कॉर्बेट में पक्षी डालो, पता चला उड़ के अस्कोट चले गया, कैसे रोकोगे उसको, हनुमान थोड़ी है हम, पीछे भाग, रुको भाई कहाँ जा रहा। पक्षियों का तो ऐसा हिसाब नहीं है, उनकी अपनी अपनी मन इच्छित जगह होती है, तो उन्होंने इसको अपनी मन इच्छित जगह बना दिया। तो आसन के पास में जो झील है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर पक्षी बहुत सारे होते रहते हैं। और आसन बैराज के साइड में एक जमीन है, एक ऐसी जमीन है जो गीली है, गीली का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जिसमें आर्द्रता हमेशा रहती है, सरल भाषा में समझे तो जिस जमीन की मैं बात कर रहा हूँ ये एक ऐसी जमीन होती है जो कीचड़ युक्त होती है, जैसे कीचड़ होता है ना ऐसे, ऐसी जो जमीनें होती है उन जमीनों को ज्योग्राफी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। ऐसी जमीनें जिसमें खूब सारी ह्यूमिडिटी होती है, कीचड़ युक्त भूमियों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। ज्योग्राफी का मत ये है, ज्योग्राफी में ये मानना है कि किसी स्थान पर यदि आर्द्र भूमि है, कीचड़ युक्त भूमि है, तो वो पर्यावरण के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि आर्द्र भूमि क्या करेगी, ह्यूमिडिटी वाली ये जमीन क्या करती है, अड़ोस पड़ोस की जमीन की गंदगी अपनी तरफ खींचती है। तो भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो जो आर्द्र भूमियां होती है, इन भूमियों को एक दर्जा दिए जाने की प्रथा 1971 से चल रही है और उसको नाम दिया जा रहा है रामसर साइट। इनको क्या बोला जा रहा है, रामसर साइट। फिलहाल हमारे राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक रामसर साइट है और वो कौन सा है, आसन बैराज। तो दो तीन पॉइंट इस पर बस लिख लो आसन बैराज पर। पहला, इसका निर्माण 1967 में किया गया, आसन बैराज का, हाँ बैराज का निर्माण 1967 में किया गया, 1967 में किया गया, 2005 में, 2005 में क्या बनाया इसे, आसन को क्या बनाया 2005 में, संरक्षण आरक्षित कंजर्व्ड एरिया, 2005 में इसे संरक्षण आरक्षित का दर्जा दिया गया, संरक्षण आरक्षित का दर्जा दिया गया, कब, 2005 में। ब्रैकेट में लिखना उत्तराखंड का सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित, उत्तराखंड का सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित, सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित, सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, गंगोत्री। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, केदारनाथ। सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित नैना देवी बर्ड सेंचुरी है ना, नैना देवी पक्षी अभयारण्य जो बनाया ना वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, आसन। आसन वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब क्या हुआ, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब क्या है, वेटलैंड। तो ये जो आसन वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है, ये राज्य में सबसे छोटा कंजर्वेशन एरिया है, सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित है। आसन बैराज कब बना था, 1967 में। आसन पक्षी अभयारण्य बोल दो या आसन वेटलैंड कंजर्व्ड एरिया बोल दो, कब बना, 2005 में। अब बड़ी बात, क्योंकि हमारे राज्य का एकमात्र आर्द्र भूमि, थाली के पेपर में प्रश्न आया, पर्सनल असिस्टेंट में, वैयक्तिक सहायक में, आसन वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया, तो याद रखने ये पॉइंट, 21 जुलाई 2020 को, 21 जुलाई 2020 को आसन वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है उत्तराखंड। रामसर साइट क्या होते, एक सम्मेलन हुआ था ना, उस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि जो आर्द्र भूमियां होंगी इन आर्द्र भूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिया जाएगा, तो इनका संरक्षण करने के लिए रामसर साइट का कॉन्सेप्ट आया। जब चैप्टर आएगा तो वहां बात कर लेंगे अच्छे से, फिलहाल यहां पे समझना
आसन वेटलैंड को 21 जुलाई 2020 ईस्वी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर साइट का दर्जा दिया गया। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करना। नदी पहली टोंस थी, टोंस पर बनने वाले बांध बताओ, इचारी और छिब्रो और किसाऊ। किसाऊ सबसे बड़ा है, उस पर एक नहर बनी है, नहर का नाम बीजापुर। यमुना के बांध दिक्कत नहीं करेंगे, शक्ति नहर वाले, डकरानी, डालीपुर, खोदरी और कुलहाल, चार बांध बने हुए। इसके अलावा एक बांध और है, लखवाड़ व्यासी, लखवाड़ व्यासी बांध यमुना नदी पर, लखवाड़ व्यासी। तो हाल ही में बड़े चर्चाओं का था लखवाड़ व्यासी बांध, क्योंकि लखवाड़ व्यासी बांध का निरंतर विरोध किया जा रहा था ना कि बांध मत बनाओ। जैसे टिहरी बांध का विरोध करने वाला मेन आदमी था सुंदरलाल बहुगुणा, ऐसे ही लखवाड़ व्यासी बांध का विरोध करने वाला फेमस आदमी अनिल जोशी, हेस्को वाले जो अनिल जोशी साहब हैं, ये लगातार लखवाड़ व्यासी बांध का विरोध कर रहे थे कि इससे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, कई सारे गांव डूब जाएंगे, आप बांध बना रहे हो इसकी वजह से। टिहरी बांध का जैसे विरोध किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, वैसे ही लखवाड़ व्यासी बांध का विरोध किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, विद्यासागर नोटियाल की बांध विरोधी समिति का सदस्य बन गया था और उसके हिसाब से लड़ाई चल रही थी। अनिल जोशी ने क्या किया, इसी लखवाड़ व्यासी आंदोलन के बांध विरोध के समय एक आंदोलन चलाया, उसको बोलते गांव बचाओ आंदोलन। ऐसा आया ना प्रश्न, उत्तराखंड में गांव बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो क्या कहोगे, अनिल जोशी, हेस्को वाले, इन्होंने कहा गांव बचाओ, बस यही था आंदोलन, इसलिए विरोध कर रहे हैं ये बांध मत बनाओ। भाई क्यों मत बनाओ, गांव डूबे, आंदोलन ही चल रहा है। गांव बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, अनिल जोशी। मिलता जुलता शब्द आता है कई बार, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन, ये कौन चला रहा था, कैलाश सत्यार्थी था ना, नोबेल पुरस्कार दिया कभी, कैलाश सत्यार्थी। तो एकदम मिलता जुलता, बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी, गांव बचाओ अनिल जोशी। फिलहाल गांव नहीं बच रहा है, लखवाड़ व्यासी प्रोजेक्ट चल रहा है, निर्माणाधीन है, तो फिर भी थोड़ा अनिल जोशी को याद रखना। ये भी यमुना नदी पर बनाया गया एक बांध है। अब आओ देहरादून के पूर्वी क्षेत्र की तरफ, पूर्वी मतलब इससे इधर वाला जो हिस्सा है, इस वाले क्षेत्र में क्या हिसाब किताब है। देखो जी, देहरादून के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है कारगी गांव। इस कारगी गांव से एक नदी निकलती है और कारगी गांव से निकलने वाली इस नदी का नाम होता है सुसवा। ठीक, कारगी गांव है, यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सुसवा। इस सुसवा नदी में पहले आकर के एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है बिंदाल। और इसी सुसवा नदी में थोड़ा आगे जाकर के एक नदी मिलती है, हालांकि ये बात है कि दोनों के दोनों मोत्रावाला में ही मिलती है, लेकिन मैं अलग अलग बना दिया। इस नदी का नाम है रिस्पना। रिस्पना और बिंदाल नाम की दो नदियां आकर के अपना पूरा पानी डाल देती है सुसवा नदी में। और सुसवा नदी कहां से निकलती है, कारगी गांव से। ठीक, बिंदाल और रिस्पना किसकी सहायक होंगी, बिंदाल और रिस्पना सुसवा नदी की सहायक होंगी। अब यहां देखो, मेरा चित्र उल्टा बन गया पूरा, मेरा एक्चुअली में उधर आना चाहिए, मैं नीचे से बना दे रहा हूं। अब मसूरी के अंदर जो है एक स्थान है, एक छोटी सी पर्वतमाला है, उसका नाम है राड़ी टॉप, RADI, राड़ी, राड़ी टॉप एक जगह है मसूरी के अंदर, उस जगह का नाम है राड़ी टॉप। इस राड़ी टॉप से एक और नदी निकलती है जो बाद में इसी में जाएगी। तो राड़ी टॉप से निकलने वाली इस नदी का नाम होता है सोंग, SONG, सोंग। ये कौन सी नदी है, सोंग। ये कौन सी नदी है, सुसवा। इसकी सहायक कौन सी है, बिंदाल। और ट्रिब्यूटी दूसरी कौन सी है, रिस्पना। राड़ी टॉप से जो नदी निकली उसका नाम क्या है, सोंग। इस सोंग नदी में पहली नदी आकर के मिलती है, नाम है वाल्दी, वाल्दी। सोंग की पहली सहायक नदी उसका नाम क्या है, वाल्दी। अब ये वाल्दी जहां पर मिलती है वो माल देवता के आसपास में, मैं माल देवता लिख देता हूं, जिस जगह पर मिलती है उसको बोलते हैं माल देवता। थोड़ा सा और आगे चलोगे तो इसी सोंग नदी में एक नदी और आके मिलती है, इसका नाम है कालीगाड़, कालीगाड़। और इस कालीगाड़ नदी में आकर के सहस्त्रधारा का पानी जो है मिल जाता है। ठीक, सहस्त्रधारा का पानी इस कालीगाड़ नदी में आ गया देहरादून में, सहस्त्रधारा का पानी आ गया कालीगाड़ में। और कालीगाड़ ये एक ही नदी है, नाम बस परिवर्तित हो गया ना, सहस्त्रधारा कालीगाड़ नाम से सोंग नदी में मिल जाती है, जैसा कहेंगे ना, सहस्त्रधारा जो है कालीगाड़ नाम से सोंग नदी में जाकर के मिल गई। ठीक, चलो ये दोनों नदियां जहां पर मिली वो डोईवाला के पास में है, तो मैं डोईवाला ही लिखता हूँ, डोईवाला से आगे है वैसे, हाँ डोईवाला के पास में मिलती है। इसके बाद जब दोनों नदियां आपस में मिल गई तब संयुक्त जलधारा का नाम सोंग होता, संयुक्त जलधारा का नाम सोंग होता है। और ये सोंग जो है रायवाला में गंगा में मिल जाती है, सोंग नदी रायवाला में किसको मिल जाती है,
गंगा को। तो ये सारी नदियां किसकी सहायक हो गई? गंगा। ऊपर वाली सब किसकी सहायक थी? यमुना। तो इसलिए हमने कहा देहरादून यमुना और गंगा नदी तंत्र के बीच स्थित है। तो यहां से नदियां आ गई, कारगी गांव, बिंदाल और रिस्पना किसकी सहायक नदियां हैं? सुसुवा की। वाल्दी, कालीगाड़, सहस्त्रधारा किसकी सहायक नदियां हैं? सोंग की। सोंग और सुसुवा डोईवाला के पास में एक दूसरे को मिल जाती है और फाइनली सोंग नाम से ये नदी जो है रायवाला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यानी ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदी। तोड़ के बोलेंगे तो ये बोलेंगे गंगा की सहायक सोंग, सोंग की सहायक सुसुवा, सुसुवा की सहायक बिंदाल, बिंदाल रिस्पना। ठीक, चलो अब आते हैं इसके फैक्ट पे। सुसुवा नदी पर बिंदाल बहुत बड़ी नदी नहीं है, देखा होगा तुमने बिंदाल के बारे में ना, यहां आते आते तो नदी रहती भी नहीं है। ऐसी दूसरी नदी कौन सी है? रिस्पना। रिस्पना के बारे में कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि रिस्पना नदी शिखर फॉल से निकलती है। नहीं, रिस्पना नदी मसूरी से निकलती है, मसूरी की पहाड़ियों से। हाँ, इस नदी पर एक फॉल है जिसका नाम है शिखर फॉल। शिखर फॉल किस नदी पर है तब कहेंगे रिस्पना नदी पर, ये नहीं कहेंगे शिखर फॉल से ही निकलती है। शिखर फॉल से कैसे नदी निकल जाएगी? जलप्रपातों से नदियां निकलती है क्या? कोई जलप्रपात तो नदियों पर बनते, वॉटरफॉल्स नदियों पर बनते। हमने बोला वॉटरफॉल इससे निकलती, शिखर फॉल खुद किस पर बनता है? सही आंसर क्या होगा? शिखर फॉल किस नदी पर है? रिस्पना नदी पर। और रिस्पना किसकी सहायक है? सुसुवा की सहायक। तो बढ़िया, देहरादून का बढ़िया है ना। इधर जो अपन लोग रहते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है हमको, पानी आ जाएगा किधर से भी, सीधा पानी का कनेक्शन सीधा सीधा घर में आएगा। दिक्कत इधर वालों को है, इधर वालों को, क्योंकि एक तो ये क्षेत्र थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा अपर वाला जोन हो गया, दूसरा उधर कोई नदी आ नहीं रही, सारी नदियां इधर जा रही है। ठीक, तो यहां क्षेत्र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस रिस्पना नदी से बनाई गई एक कैनाल, ये देहरादून की सबसे बेहतरीन कैनाल है, सबसे बेहतरीन नहर है। इस नहर का नाम है राजपुर नहर। राजपुर नहर ये हमारे राज्य की सबसे प्राचीन नहर है, पहली नहर, उत्तराखंड राज्य में गठित होने वाली पहली नहर राजपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? रिस्पना नदी से निकाली गई है। राजपुर नहर किस नदी पर निर्मित है? तब आप कहेंगे राजपुर नहर रिस्पना नदी पर बनाई गई है। फैक्ट देखो जरा, राजपुर नहर का निर्माण किसने किया था? हम कहेंगे रानी कर्णावती ने। महारानी कर्णावती जब युद्ध करने आई थी ना, तो उन्होंने एक नहर बना दी थी राजपुर नहर, रानी कर्णावती के द्वारा राजपुर नहर का निर्माण किया गया। कुछ दिन में नहर टूट गई है ना, जब नहर टूट गई तो फिर नहर बनाई जाएगी, और एक टूटी हुई चीज को फिर से बनाने वाले को क्या बोलते हैं? जीर्णोद्धार, है ना, जीर्णोद्धार। तो सबसे पहले राजपुर नहर का जीर्णोद्धार किया था अजबू कुंवर ने। हिस्टोरिकल कनाल है इसलिए याद रखना, अजबू कुंवर सबसे पहले राजपुर नहर का। अजबू कुंवर कौन है? एक कर्णावती का बेटा था पृथ्वीपति शाह, बाद में इतिहास में कर लेंगे, और पृथ्वीपति शाह का बेटा था अजबू कुंवर, और पृथ्वीपति शाह ने अपने बेटे अजबू कुंवर को देहरादून का राज्य दे दिया। तो उसने अपने यहां पर क्या कर दिया था? राजपुर नहर का जीर्णोद्धार करवा दिया। फिर काफी टाइम तक नहर ऐसी रही, फिर पूरी तरीके से टूट गई। टूटने के बाद उसका फिर रिकंस्ट्रक्शन, फिर से जीर्णोद्धार 1817 में हरसेवक दास ने करवाया। ये आदमी को जानते हो तुम? गोरखाओं के समय ये महंत हुआ करता था, गुरु रामराय ट्रस्ट का। 1817 में हरसेवक दास ने राजपुर नहर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया, फिर से नया बनाया उसको। राजपुर नहर का निर्माण कर्णावती किस नदी पर है? रिस्पना नदी पर। अजबू कुंवर, हरसेवक दास 1817 में उसका फिर से जीर्णोद्धार कराया। और फाइनली जो आज की राजपुर नहर है, यानी आधुनिक राजपुर नहर का निर्माण पीबी काटले ने किया। आधुनिक राजपुर नहर का निर्माण पीबी काटले ने किया, और ध्यान रखना 1844 तक ये नहर इसने बना भी दी थी, और 44 तक हमारे उत्तराखंड में वैसे भी कोई नहर थी नहीं। जो भी बन रही है वो 56 में बन रही है। 1844 में 1844 के अंदर पीबी काटले ने राजपुर नहर का निर्माण कार्य कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक, पीबी काटले निर्माण पूरा कर दिया। ठीक, चलो, तो पहला एक कैनाल आपने इस पर निकाला, इस क्या नाम क्या है? राजपुर नहर, हमारे उत्तराखंड में देहरादून की सबसे बेहतरीन नहर। फिर ये 6 अलग अलग भाटों में बंट जाती है, वो पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं। देखो जैसे राजपुर नहर है ना, इसलिए रिस्पना नदी में तुमने पानी देखा कभी नहीं ना? रिस्पना नदी का अधिकांश पानी जो साफ वाला है वो राजपुर नहर में चलेगी। फिर इससे छोटी छोटी अंडरग्राउंड कैनाल बना रखी, जैसे धर्मपुर के लिए एक कैनाल निकली हुई तो उसका नाम है धर्मपुर कैनाल। एक कैनाल यहाँ से निकलती अजबपुर कला के लिए तो उसका नाम है अजबपुर कला कैनाल। एक अजबपुर खुर्द के लिए निकलती है तो उसका नाम अजबपुर खुर्द। इसी से एक कारगी की तरफ जाती है तो उसका नाम है। ये नदी को मजाक मत समझो,
बोले गुरु जी तो कबाड़ा ही कबाड़ा रहता है, कबाड़ा इसलिए रहता है कि पानी हमारे घर में आता है इधर से, रिस्पना वाली नदी। इसका नाम पहले क्या था? बोला ऋषि परणा ना। और अभी जो है त्रिवेंद्र रावत की सरकार एक अभियान भी चला रही थी, ऋषि परणा अभियान, रिस्पना नदी को साफ किया जाए, उसमें फिर से उसी प्रकार के जैसे पहले पानी होता था वैसे ही पानी को बनाने के लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा था, ऋषि परणा। तो किसका नाम होता है ऋषि परणा? रिस्पना का ही प्राचीन नाम होता है ऋषि परणा। और इस रिस्पना नदी पर कौन सी नहर बनाई गई है? राजपुर। किसी भी लिहाज से देखो कर्णावती के जमाने कोई नहर नहीं थी, इसलिए भी पहली है और मॉडर्न में भी सबसे पहली। पीबी काटले ने जितनी भी नहर बनाई, चाहे गंग नहर हो, चाहे अभी तक करिया बीजापुर नहर, ये नहर वो नहर, 44 में कोई बनी क्या? 44 में तो शुरू हो रही थी, 41-42 में। तो उत्तराखंड की सबसे पहली नहर कौन सी होती है? राजपुर नहर। फिर आ जाओ नीचे वाल्दी। चलो अब आओ सौंग नदी पर। सौंग नदी से इस क्षेत्र में वाटर सप्लाई करने के लिए एक नहर बनाई गई है, यहां एक नहर यहां बनाई गई है। इस नहर का नाम है खलंगा नहर। खलंगा क्षेत्र में वाटर सप्लाई करने के लिए एक नहर बनाई गई, खलंगा नहर। 1855 में बननी स्टार्ट हुई, 1860 में बन करके रेडी हो गई। खलंगा नहर किस नदी पर है? सौंग नदी पर। खलंगा नहर जो है वह सौंग नदी पर बनाई गई है और 1855 से लेकर 1860 तक इसका निर्माण कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया। तो देहरादून को क्या नाम दिया था? उत्तराखंड का वेनिस। इसलिए राजपुर प्लस 6 उसके और जाल फैले हुए, इधर से खलंगा, 3-4 सिस्टम इसके चल रहे हैं। सहस्त्रधारा पर, सहस्त्रधारा वाटर पंपिंग स्टोरेज योजना इस पर अलग चलाई जा रही, अंडरग्राउंड सारा का सारा। क्या कोई नहरें में बाहर दिखाई देती है? नहीं, सारी अंडरग्राउंड बना रखी है। तो अधिकांश यहां पर नहरों का निर्माण किया गया है, इसलिए ये बिंदाल और रिस्पना वाला जो हिसाब किताब है, वाल्दी, सहस्त्रधारा, कालीगढ़, ये सब हो गया कंप्लीट। यहां से नदी कौन सी आ रही है? सौंग। इधर से नदी कौन आ रही है? सुसवा। सौंग सुसवा डोईवाला के पास में मिल गई। अब ध्यान से सुनो, एक तो इस सौंग नदी पर एक पावर प्रोजेक्ट रायपुर के आसपास में चल रहा है, उसको नाम दे रहे हैं सौंग पावर प्रोजेक्ट। एक ग्रेविटी डैम बना रहे, पावर प्रोजेक्ट इस तरफ को चल रहा है। ये सौंग नदी जब डोईवाला में सुसवा से मिल जाती है तो इस पर त्रिवेंद्र रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक उन्होंने बनाई झील। 2-3 पेपर पीछे का प्रश्न है, झील का नाम था सूर्याधार झील। तुम्हारे ग्रुप सी में पूछा गया प्रश्न, सूर्याधार झील किस नदी पर बनाई गई है? सूर्याधार झील किस नदी पर था? सौंग नदी पर। सौंग नदी पर डोईवाला के पास में एक झील का निर्माण किया गया और उस झील को नाम दिया गया क्या? सूर्याधार झील। सूर्याधार झील, सूर्याधार झील जो है वह किस नदी पर है? सौंग नदी। अगर ऑप्शन में ना आए, क्योंकि इसके जब हम सरकारी टेंडर वाला जो वेबसाइट देखते हैं ना, तो वहां पर सौंग नदी नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता जाखन नदी। तो अगर सौंग नहीं है ऑप्शन में कि सूर्याधार झील किस नदी पर है और ऑप्शन में सौंग नहीं है, तो फिर टिक क्या लगाओगे? जाखन नदी। वैसे ये नदी मुझे मिली नहीं किधर, जाखन नाम की नदी मिली नहीं कहीं पे। हाँ, तो याद रखना सूर्याधार झील किस नदी पर बनाई गई है? सौंग नदी। अगर ऑप्शन में सौंग नहीं है तो फिर किसको टिक करना? जाखन। तो देहरादून के ज्योग्राफी में नदियों का क्या योगदान है, नदियां कैसे कैसे बनी हुई है और इन नदियों पर कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, याद रख लोगे इनको? छोटे मोटे पावर प्रोजेक्ट है और कुछ नहरें इस पर बनाई गई है। तब ज्योग्राफी में अगला टॉपिक समझो, देहरादून के अंदर टॉपिक डालो देहरादून के नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। देहरादून के नेशनल हाईवे, देहरादून के नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कहां के? सिर्फ देहरादून के, उत्तराखंड के नहीं, देहरादून के नेशनल हाईवे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में इनके नाम में परिवर्तन हुआ, और ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं परीक्षा में जब भी आ रहे हैं तो पुराने वाला आंसर दे रहा है, नाम तो बदल गया है, और पेपर में आ रहा है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, आज भी NH-58, तो दिक्कत ये हो जाती, दोनों आपको याद रखना जरूरी है। दूसरी बात, नेशनल हाईवे का नाम बदला है, नेशनल हाईवे नहीं बदला है। 5 साल पहले जिस रोड से गांव जाते थे आज भी उसी से जाते हो ना, कि नई सड़क बन गई? नहीं, सड़क वही है, नाम बदल गया। पहले उसका नाम 3 था, आज 5 कर दिया, 5 था 7 कर दिया। तो सिर्फ नेशनल हाईवे के नाम बदले। तो देहरादून के अंदर कितने नेशनल हाईवे आते हैं जरा समझो, देहरादून के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे, पहले में और अब में कितना परिवर्तन हुआ है उसको भी समझना। पहले क्या होता था, यहाँ से एक सड़क आती थी नाहन से, और नाहन से आने वाली ये सड़क देहरादून आती थी, देहरादून से हरिद्वार जाती थी, हरिद्वार से कुमाऊं जाती थी, इसको तभी नाम देते थे NH-72। आज सड़कों में थोड़ा बहुत चेंजअप कर दिया। दो बातें बताओ मुझे, एक बात ये बताओ, शहर में जो बड़ी सड़कें होती, छोटी नहीं बड़ी सड़कें, कभी तुमने ऐसी सड़क देखी कि उस सड़क पे चलते चलते सड़क खत्म,
रोड पे चलते हो, देहरादून से जा रहे थे ऋषिकेश और ऋषिकेश में रोड खत्म, अब है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना, वहां से कहीं और जुड़ा है, सड़कों का जाल फैला रखा है पूरा, एक से दूसरे पे कनेक्ट। अपनी गली वाली मत बोलना कि हमारी गली में लास्ट हमारी है, वो नहीं, स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे, नेशनल हाईवे, जो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं खत्म थोड़े होते हैं ना, अगर NH7 है तो 7 जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ 9 शुरू हो रहा होगा, 10 शुरू हो रहा होगा, ठीक। तभी क्या करती है वर्तमान व्यवस्था, क्या करती है सीधा पहुंचेंगे पंजाब, और पंजाब के अंदर एक जगह है उसका नाम है फौलिजका, जहाँ पे तुमने देखो आर्मी वाले लड़ते ना भारत पाकिस्तान वाले, क्या बोलते हैं उसको, एक बॉर्डर है वो अटारी बॉर्डर है ना, उधर लड़ाई चलती रहती, लड़ाई मतलब बोलचाल वाली लड़ाई ना, तो वहाँ पंजाब के फौलिजका से एक रोड स्टार्ट हो जाती है, पंजाब आते आते हिमाचल प्रदेश आते आते हमारे राज्य में जो है पौंटा साहिब से एंट्री करती है। अब देखो यहाँ से आती है पौंटा साहिब से होते हुए विकासनगर, विकासनगर से चलते हो प्रेमनगर, प्रेमनगर से आके बल्लूपुर, अभी बल्लूपुर से जिसमें विक्रम में आते वो वाली मत जोड़ना, वो स्टेट हाईवे है कि बल्लूपुर से घंटाघर, वो नहीं, जब बल्लूपुर पहुंचे तो बल्लूपुर से सीधा पहुंचोगे ISBT, और ISBT से इस रोड में रिस्पना पुल होते होते और सीधा पहुंचोगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश का वो क्षेत्र जहाँ पर नटराज वगैरह है वो सब देहरादून के अंदर ही आता है, और फिर ऋषिकेश से आप चलोगे इस रोड पर श्रीनगर होते होते फाइनली इस रोड ने माणा जाना है, बद्रीनाथ जाना है, ये एक नेशनल हाईवे पहला, हमारे राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी यही है, तो देहरादून के अंतर्गत आने वाला पहला नेशनल हाईवे। से तो ये पंजाब की फलिजका से स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड के माणा तक, वैसे अगर इंडिया के बेसिस पर कहें और हमारे राज्य के हिसाब से कहें तो ये पौंटा साहिब से माणा तक है, लेकिन देहरादून जिले के अंदर, देहरादून के अंतर्गत इस नेशनल हाईवे का नाम है NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7, कहां से कहां तक है फिर मैं लिखूंगा, पौंटा साहिब से लिख लो फटाफट से NH7, देहरादून का पहला नेशनल हाईवे NH7 जो है पौंटा साहिब से ऋषिकेश, वैसे माणा तक है, आज हम जिला देहरादून कर रहे हैं इसलिए ऋषिकेश तक लिख रहा हूं, NH7 पौंटा साहिब से लेकर के ऋषिकेश तक आने वाला ये नेशनल हाईवे, और आगे भी जाएगा पौड़ी, पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बाद चमोली, माणा तक जाएगा, NH7 पौंटा साहिब से लेकर के ऋषिकेश तक, ये है नेशनल हाईवे नंबर 7, NH7। ओल्ड नंबरिंग भी पूछता है, इसका प्राचीन नाम, पहले इसका नाम क्या था, NH72 था, ये वाला नेशनल हाईवे है जिसको हम NH7 कह रहे हैं आज, पहले इसका नाम क्या होता था, NH72 होता था, NH72 होता था, पौंटा साहिब से ऋषिकेश वाला ये जो नेशनल हाईवे था पहला इसका नाम NH72 होता था, अभी कितना है NH7 है, ठीक 7। फिर देखो दूसरा नेशनल हाईवे देहरादून का, यहाँ पर रुड़की के पास में छुटमलपुर से स्टार्ट होता है, और छुटमलपुर से कहाँ खत्म हो जाता है, ISBT, दूसरा जो नेशनल हाईवे है ना वो कहाँ से, छुटमलपुर से लेकर के ISBT तक, वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है NH307, वर्तमान में इसका नाम है NH307, ये चैप्टर है, इनमें टेंशन मत लेना, अभी तुम्हारा रट्टा वाली विद्या चल रही है, रट्टा वाली, ये ऐसा कैसे हुआ बाद में चलेंगे, टॉपिक है हमारे पास नेशनल हाईवे के, जहाँ सारे नेशनल हाईवे पढ़ लें, NH307 कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं कहूँगा छुटमलपुर से देहरादून के ISBT तक आने वाला ये नेशनल हाईवे, वर्तमान में इसका नाम है NH307, और ओल्ड नाम से सब लोग जानते होंगे इसको, पहले इसका नाम था 72A, 72A, राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा होता था, ये वाला, हमारे उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे था 72A, आज कौन सा हो गया 307, नाम ही तो बदला, लंबाई तो सेम है, आज उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH307 और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7, दोनों बोर्ड पे है, उत्तराखंड का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वर्तमान में, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है NH7, और सबसे छोटा 307, आज की नंबरिंग के हिसाब से, पुरानी नंबरिंग में लॉन्गेस्ट 58 था और शॉर्टेस्ट यही था 72, ठीक, तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है 307, और सबसे लंबा कौन सा है NH7। यहां से चलेंगे ऋषिकेश, NH34 दूसरे नंबर पे, हाँ NH34 सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ये बात। तो देहरादून में अभी तक कितने नेशनल हाईवे आ गए, 2, NH7 और दूसरा, चल तीसरा नेशनल हाईवे पे आओ, यहाँ पर विकासनगर हर्बर्टपुर से एक नेशनल हाईवे जाता है सीधा उत्तरकाशी के बड़कोट तक, उत्तरकाशी वाले जाते होंगे ना इस रास्ते से, विकासनगर जाओ और सीधा वहां से निकल जाओ बड़कोट, वर्तमान में इस नेशनल हाईवे का नाम है NH507, कहां से कहां को कनेक्ट करता है, विकासनगर से किसको, बड़कोट को, NH507 नेशनल हाईवे नंबर 507, नेशनल हाईवे नंबर 507 किसको किससे कनेक्ट करता है, विकासनगर को
बड़कोट से कनेक्ट करने का काम करता है। वर्तमान में नाम है, पहले नाम सरल था 1 2 3। इसका ओल्ड नेम क्या है? इसका प्राचीन नाम यानी कि पहले इसकी नंबरिंग थी NH 123, नेशनल हाईवे नंबर 123, नेशनल हाईवे नंबर 123। तो इस समय देहरादून जिले के अंतर्गत कितने नेशनल हाईवे आते हैं? 3 नेशनल हाईवे आते हैं। देहरादून जिले के डैम, नहरें, नदियां अभी तक कवर कर ली। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। अब क्या बचे? NH 123 प्राचीन नाम, वर्तमान में क्या है? 507। सात वाले सब हमारे पास है, 7 उत्तराखंड में, 107 भी उत्तराखंड में, केदारनाथ वाला वर्तमान में, 307 भी यहां है, 507 भी है, बाकी 7 नहीं है हमारे पास। 707 907 आउट ऑफ स्टेट है। ठीक, चलो अब ज्योग्राफी में वाटरफॉल्स डालो टॉपिक। देहरादून के जलप्रपात, देहरादून के जलप्रपात वाटरफॉल्स, देहरादून के जलप्रपात कौन कौन से हैं? वाटरफॉल जलप्रपात, वैसे तो सबसे ज्यादा जलप्रपात आपके महान और मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, है ना, जो बड़े ऊपर वाले हिमालय होते हैं। लेकिन महान और मध्य हिमालय में पाए जाने वाले जलप्रपात जो है वो पर्यटन की दृष्टि से उतने नहीं उभर पाते। मतलब तुम्हारे गांव में कितने जलप्रपात होंगे ना, हजारों, पानी कितनी बार गिरता ऊपर, जलप्रपात मतलब अलग चीज थोड़ी। ये देखो ना, ऐसा था, पहाड़ था, पहाड़ था, पहाड़ अचानक ऐसा हुआ, नदी आ रही थी, आ रही थी, आ रही, नीचे गिर गई, बस यही तो हो गया वाटरफॉल। फोटो खींचो, बन गया वाटरफॉल, और कुछ अलग थोड़ी है वाटरफॉल का मतलब। कहीं पर ऐसा करके धरती नीचे हो गई, बन गया वाटरफॉल। तो गांव में बहुत सारे होते हैं पर वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, तो उनके नाम भी नहीं है फिर अभी तक। वाटरफॉल्स वही फेमस है जहां पर टूरिस्ट ज्यादा पहुंच जाते हैं, और ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी नीचे वाले एरिया में ही घूमते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वाटरफॉल जो विकसित है वो यहीं पर आपको मिलने। देहरादून के अंदर आने वाले वाटरफॉल्स में सबसे पहला आ जाओ टाइगर वाटरफॉल, ये जानते सब लोग। टाइगर वाटरफॉल कहाँ है? चकरौता में है, तो जिला देहरादून ही आता है, चकरौता जिला देहरादून में। टाइगर फॉल बोलते हैं ना इसको, टाइगर फॉल, फॉल मतलब वाटर को तो छोड़ देते हैं, टाइगर फॉल। चलो दूसरे पे आओ, बताओ कोई और टाइगर फॉल के अलावा देहरादून की जलप्रपात। एक है भट्टा फॉल, भट्टा फॉल कहाँ है? मसूरी में। इस पर ग्लोगी पावर स्टेशन बनाया था हमने, जल विद्युत परियोजनाओं में पढ़ लेंगे। भट्टा फॉल दूसरा, पहले मसूरी के निपटाओ, मसूरी की ओर बताओ कौन से वाटरफॉल है। हॉर्डी, हॉर्डी वाटरफॉल, ये भी मसूरी में है। चलो और मसूरी में कौन से? मौसी, मौसी वाटरफॉल, ये भी मसूरी में है। फिर मसूरी और देहरादून के बीच में अभी कर रहे थे शिखर, शिखर वाटरफॉल किस नदी पर है? रिस्पना नदी पर। ठीक, चलो और देहरादून वाले आओ, देहरादून के अंदर कौन कौन से जलप्रपात है? देहरादून में एक जलप्रपात है, इसका नाम है मोदूगाड़ जलप्रपात, मोदूगाड़ जलप्रपात देहरादून, रायपुर की तरफ एक जलप्रपात, इसका नाम है मोदूगाड़ जलप्रपात। ठीक, मोदूगाड़ जलप्रपात किस जिले में है? तब क्या कहेंगे? देहरादून के अंदर स्थित जलप्रपात, इसका नाम है मोदूगाड़। टाइगर, भट्टा फॉल, हॉर्डी फॉल, मौसी फॉल, शिखर जलप्रपात, मोदूगाड़ देहरादून। केम्प्टी फॉल टिहरी में आएगा, अधिकार क्षेत्र टिहरी में है, मसूरी में लेकिन टिहरी। 5 6 7 एक समास होता ना हिंदी में द्विगु, यहाँ वाटरफॉल है, द्विगु फॉल देहरादून। देहरादून के प्रमुख जलप्रपात टाइगर फॉल चकरौता में, भट्टा फॉल, हॉर्डी फॉल, मौसी फॉल, शिखर फॉल मसूरी में, जिला देहरादून ही आएगा इनका भी। हाँ, द्विगु फॉल, द्विगु वाटरफॉल देहरादून। ठीक, मोदूगाड़ देहरादून, बाकी ये ऊपर वाले जो है ये मसूरी और देहरादून के बीच, जिला सबका देहरादून जितने भी है। ठीक, चलो वाटरफॉल्स, इधर दर्रे लिख दो, दर्रे निचला हिस्सा है तो दर्रे बहुत ज्यादा होंगे नहीं, समझ सकते हैं इस बात को, निचला हिस्सा है ना, तो यहां तक दर्रे, पहाड़ी खत्म हो जाते हैं तो दर्रा तो होगा नहीं। पास, दर्रा किसको बोलते हैं? पास किसको बोलते हैं? पास किसको बोलोगे? दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको पास बोलते हैं ना, इधर पहाड़, इधर पहाड़, और उनके बीच से जो जगह होती है आने जाने की उसको पास बोलते हैं। एक देहरादून के आते हुए, एक देहरादून के जाते हुए, आते हुए जो नीचे वाला दर्रा, इसका नाम मोहंड पास है, मोहंड पास, ये सबने देखा है,
डाटकाली मंदिर वाली जो सड़क है जो आपको रुड़की से देहरादून पहुंचाती है, उसी का नाम है मोहंड पास। दर्रा मतलब ऐसा नहीं होता है कि इधर से उधर फाल खाई तुमने उधर पहुंच गए, इतना सा थोड़ी होता दर्रा। दर्रा मतलब इधर शुरू हो गया चलेगा 5-7 किलोमीटर बढ़िया से, दर्रे का मतलब ये थोड़ी, दर्रा मतलब रास्ता है पूरा रास्ता। तो जिस सड़क से आप रुड़की से देहरादून आते हो वो पास ही है, वही है मोहंड पास, अलग से नहीं कोई, ठीक। और एक पास विकास नगर की तरफ है खत्म होते समय, उसका नाम है तिमली पास। तिमली पास और मोहंड पास ये है देहरादून के दो प्रमुख दर्रे, देहरादून के दो प्रमुख दर्रे। और कुछ छोटी छोटी चीजें जो कम है देहरादून में उनको निपटा देते हैं, फिर कल बड़े बड़े रह जाएंगे। दर्रा हो गया, वाटरफॉल, ताल कर दो, ताल, ताल बहुत कम है इधर। ताल देहरादून में एक ताल है, उसका नाम है गौतम कुंड। गौतम कुंड इसी को आज के लोग बोलते हैं चंद्रबाड़ी ताल, जानते होंगे सब लोग कहाँ है ये। आईएसबीटी के पीछे एक जगह है चंद्रमणि बोलते उसको, तो वहां पर गौतम ऋषि की तपस्थली है, तो वहां पर एक ताल बना है, एक कुंड बना है, और उस कुंड का नाम है चंद्रबाड़ी ताल या फिर गौतम कुंड। चंद्रबाड़ी ताल या फिर गौतम कुंड किस जिले में है? देहरादून। अच्छा एक ताल है वो हरिद्वार के पास में, लेकिन वो हिस्सा देहरादून जिले के अंदर, उसका नाम है कांसरो ताल। कांसरो ताल वैसे तो ये हरिद्वार के पास में है, लेकिन जिलों के हिसाब से देखेंगे तो ये जो ताल है ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। कांसरो ताल और चंद्रबाड़ी ताल, दो ही ताल आपको इस जिले में मिलेंगे, कांसरो ताल और चंद्रबाड़ी ताल, ये दो ताल ही आपको देहरादून जिले के अंदर मिलेंगे। तो बेसिक जो ज्योग्राफी है उसको लगभग यहाँ पर कवर किया। कल पर्यटन और अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी करते रहना, बाकी कल करते।